पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है? पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तुम्हारी ही कमाई तुम्हें प्रदान कर दी। जैसे बच्चा पढ़ता है एमए बीए बीएससी कर गया, कोई और ट्रेनिंग आदि कर ली तो गवर्नमेंट उसको जॉब दे देती है, लेकिन वो मेहनत परिश्रम उससे का किया हुआ प्रफुल्लित हुआ है। तो ऐसे ही आपको मूर्ख बना के और फिर आपके कर्म बिगड़वा देता है। जैसे ये जितने भी संत आए हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष ये नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिर हैं, आज ये किसी की नहीं सुनते क्योंकि इनकी पिछले पुण्य चल रहे हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं। इस दास ने 20 वर्ष हो गए, पहले तो आदेश नहीं था गुरु जी का किसी को नाम देने का, पहले वैसे दास प्रचार किया करता था, अपने गुरु जी के पास ले जाकर नाम दिलाया करता था। और 1994 से आज तक 16 वर्ष हो गए जो दास ने मजदूरी की है। गला मेरा खराब हो गया, शरीर भी कोई विशेष रहा नहीं क्योंकि दिन रात मेहनत परिश्रम करने से कभी आहार किया कभी ना किया। और अभी तक ये चल रहा है इतनी मेहनत करके इस परमात्मा की इस यथार्थ ज्ञान को सत भक्ति को अब थोड़ा सा प्रभु की कृपा से उभारा है। दिन रात के परिश्रम से ये मुश्किल से ऊपर आ पाई है। पहले 3-3 टाइम सत्संग करता था यह दास, 3-3 घंटे 2.5-2.5 घंटे, एक दिन में 7 दिन का सत्संग करता था और फिर संगत से मिलना। अब भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोजाना सत्संग, फिर आप जी से परमात्मा के बच्चों से मिलना और फिर परमात्मा की सदग्रंथों से वो ज्ञान निकाल करके पुस्तक रथ बनाना, यानी अब तक के परिश्रम जारी है। और वो क्या करते हैं, 1 घंटा जो ये दास 10 मिनट में सत्संग करता है, इतना वो 1 घंटे में बड़े आनंद ले लेगा, बोलेंगे आह, फिर उसके मुंह का नहीं देखें श्रद्धालु, सतगुरु आगे क्या बोलेंगे, सतगुरु के पास के मैं है नहीं बोलना कि वह घिसी पिटी बातें 4-1 घंटे में 45 मिनट में कह कह और अपना चलते बने, क्योंकि उन्होंने तो अज्ञान पहले परिपूर्ण कर रखा है, उस अज्ञान को ही इधर उधर से सुनाते रहते हैं। और इस दास ने वो ज्ञान सुनाना है जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो आपने कभी सुना नहीं, सुनते ही एक बार तो ऐसा स्ट्राइक होता है दिमाग में कि झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, फिर वो प्रमाण दिखाना पड़ता है ताकि आप इस सत्य से परिचित हो सको और सत्य को स्वीकार करें। तो परमात्मा यहाँ आए हैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, इन नकले गुरुओं ने गांव के गांव पूरे शहर के शहर अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश कर दिया। ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी भी हंगा, गरीब दास वैभव जल डूबे नहीं साध सत्संगा।
कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर द्वारा दिए गए उस ज्ञान को कैसे बताया है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ किए उतरा चाव पार। जैसे दरिया से पार होना है, भादो के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और उस समय छोटी मोटी नदियां भी छोटे मोटे नाले भी दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। तो उस समय कहते हैं कोई दरिया ऐसे भादो के अंदर दरिया बह रही हो, बहुत अक्षेत्र को कवर करके जल अथा जल चल रहा हो और उससे पार करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है और उसको कोई गाइड कर दे कि भेड़ की पूछ पकड़ ले और ये तुझे दरिया से पार कर ले जाएगी, तो वो साधन कैसा है? व्यर्थ डुबोने का। तो ऐसे इन संतों और इन अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश और इन क्या ना ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, इन पंडितों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, वो ऐसा है कि दरिया से पार करने के लिए भेड़ की पूछ का समर्थन कर रहे हैं कि भेड़ की पूछ पकड़ो और ये भेड़ तुम्हें पार कर ले जाएगी। अर्थात उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि संसार सागर से पार नहीं कर सकती, ये पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकती। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। वही गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि वो भवजल संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे जो साधों का सत्संग यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग जिनको सुनने को नहीं मिला। और ये पंडित ये ब्राह्मण लोग ये भेड़ पूछ को पकड़े हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं भक्ति विधि का। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा, विहंग माने बहुत ही विहंग, बहुत लंबी चौड़ी अथा जल चल रहा है और उसमें से भेड़ की पूछ पकड़ कर ये पार करना चाहते हैं। अब यहां फिर समस्या आ जाती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, क्या कबीर जी को ही ज्ञान था? हाँ, कबीर जी तो भगवान थे, ज्ञान तो छोड़ो वो भगवान थे, और इन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं था। अब ये रह रहकर लालटेन न्यू दिखानी पड़ती है कि कहीं कोई मेरे साथ टकरा ना जावे। जैसे सुबह बताया था अंधा एक लालटेन लिए जाओ था अंधेरे में, आगे से बच्चे आ गए उछल कूद मचा रहे थे, तो उसने अंधे ने आवाज लगाई कि बेटा देखना मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, सावधान होकर आना चलना। तो बच्चों ने पूछा, बाबा फिर लालटेन किस लिए ले रखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मुझे मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े की देही तोड़ दो, किधर टूट जा टांग मेरी, और इस लालटेन के चानने में तुम मुझसे दूर से निकल जाओगे। तो ये लालटेन बार बार इसलिए दिखानी पड़ती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, और कलयुग के ब्राह्मण तो राक्षस बताए, किसने? दास ने नहीं, श्रीमद देवी भागवत ने। ये देखो श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पे ये देखिएगा, छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को तुम विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी हैं राइटर ऑफ आल पुराण,
और वेद एंड गीता जी है। राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब आपने देखा कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा क्या कह रही है 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे दुर्गा क्या कह रही है कि तुम ब्रह्म का जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। 7वां स्कंद 562 पृष्ठ, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के विषय में वो जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त संसार के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगा कृष्ण तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बात छोड़ दो। अब दुर्गा कह रही है कि मेरी भी पूजा त्याग दो और अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, नथिंग एल्स। उसका क्या मंत्र है ये देखिए, एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बात छोड़ दो, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है, पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। उस हृदय में विविध प्रकार प्रकट होने वाला परब्रह्म संतन करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान। इस आत्मा का ओम के जप के साथ जान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्त करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपन आत्मा नाइन कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। अब ये ब्राह्मण सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूरे विद्वान थे। वेदों में ना गीता जी में कहीं भी दुर्गा की पूजा का कितना विधान नहीं, और ये वेदों के ज्ञाता है। हाय हाय। अब आपने 414 पृष्ठ पर देखा व्यास जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब हो। और दुर्गा कहती है मैं केवल एक ओम ओम जाप है और ब्रह्म की पूजा करो। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपने विषय में बता रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम मंत्र है, मेरा जाप करोगे मुझे प्राप्त होगे। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के 1वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना के विषय में बताया कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये प्रमाण है, उसका भावार्थ है कि जो जिसकी पूजा करता है अंतिम श्वास तक उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा कि उसकी पूजा करेगा तो उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। उसके जाप का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तो सीधा ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये ब्रह्म और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के हैं, यानी अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में है। तत् मंत्र जो है ये अक्षर ब्रह्म का, और सत मंत्र ये सांकेतिक हैं दोनों, और ये मंत्र नहीं है, कोई और मंत्र ये दास बताएगा। तो सत मंत्र वो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म कहता है उस परमेश्वर की पूजा करो, उस पुष्प परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और ये ब्राह्मणों के वो दुर्गा की पूजा करते थे, और वेद के बड़े पारगामी विद्वान थे, पूर्ण विद्वान थे, टट्टू थे वह। अब देखो ये 6ठा अध्याय, 6ठा स्कंद, श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पर आपने पढ़ा था कि व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय को कि राजन यह निश्चय है, यानी पक्की बात समझ लिए कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता। ये तो सतयुग के ब्राह्मणा का स्थिति है। और ये देखो इसके बिल्कुल इसी पृष्ठ पे अगले पैरे में धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ हरास हो गया, और सतयुग की तो सती थी, सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। उन प्राचीन धर्म की सती थी त्रेता युग में रही परंतु वह हरास हो गया, सतयुग की जो सती थी वह द्वापर रूप में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, ये वर्तमान के ब्राह्मण है, तो कलयुग में जो राक्षस होते थे उनके समान हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब आपको ये वाणी जो परमात्मा ने बोली है अपने मुखारविंद से, और वही ज्ञान दिया फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान किस प्रकार वर्णन किया, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक क्या बताया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है उसी को फाइनल मान रहा है, कोई व्रत रखता है उसी को अपनी साधना को श्रेष्ठ मानता है, और कोई केवल अहिंसा ना करना ही अपना परम कर्तव्य मान लेता है, कोई सदग्रंथों का स्वाध्याय करने से मोक्ष मानता है, कोई केवल एक हवन मत करने मात्र से ही अपनी कल्याण मानता है, और वो अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं।
गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार का विस्तृत ज्ञान सच्चिदानंद गण की वाणी में उस परमेश्वर द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान में वर्णित है, और वो अपने क्रियाओं से यानी कर्म करने से ही बनता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब हम कर्म करें थे सारे शास्त्र विरुद्ध, हम कर्म करें थे भक्ति मार्ग भी सारा शास्त्र विरुद्ध, तो हमें वो कर्म सही नहीं फल दे रहे थे। अब हम कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे जो हमें मोक्ष देगा। तो उसके बारे में कहा कि उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में किसी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, वो के बताएंगे। सट दर्शन सट बेस कहावे, बहुविध धुंधू धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। चार संप्रदा बावन द्वारे, जिनों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उवा बाई बकदा। ओह, एक मोटी सी माला गाल के गल में नू दिखावा, बड़े भगत से अरिषद मुक्त हो आंड रहे हैं, और सब उवा बाई बकदे हैं। उवा बाई यानी किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब ये वाणी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जो 600 वर्ष पहले ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि कबीर तो शास्त्रों को नहीं जानता, कबीर तो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, वो तो अज्ञानी है, वो क्या जाने वेदों सदग्रंथों के रहस्य को। ये वाणी 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने बोली थी, और वही ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के कंप्यूटर में दोबारा फिर उससे निकलवा दी, जो थोड़ा बहुत मिलावट हुई थी वह क्लियर होगी। क्या बताते हैं कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा। उवा बाई, अब व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान, और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे फूटे बाग थे विद्वानों, और गेला फोड़ दिए मारे। अब दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता पूर्ण ब्रह्म की करो, तो कहाँ थे ये। भेड पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो बवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, बारह बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनीय में कहते हैं ये सारे जो है अपना जीवन ठगा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं इनकी भक्ति, जीवन नष्ट करने की है, ठगा ठगाई की है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बांचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गए सृजन हारा। वेद पढ़े और भेद ना जाने, नो कह वेदों के बड़े विद्वान थे, वो कह दुर्गा पूजा करो भाई, दुर्गा दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बांचे पुराण 18, और फिर पूजा के एक रबरा मूर्ति बना करते दुर्गा की, और उसका भोग लगाया करते। अरे थारा गज, और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा, मूर्ति बना ली दुर्गा की, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की, राम कृष्ण की, और उसका पत्थर का मुंह कहने का भोग लगावे, और भूल गए सृजनहारा। सृजनहार कौन, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जिसके विषय में गीता कहती है कि उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संतों से समझो, वो ये दास आपको बता रहा है। ब्रह्म कर्म भैरों को पूजे, सत शब्द नहीं साहब सूजे, माला मुकटी कक्कड़ हुकटी, ही बाना बौड़ी भांग बसौड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे न्यू जाने।
जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चेन्या गुरु गुण गुरु गुण ही ना यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा गलरी जिंदा मस्तक बिंदा गूगल खेवें जंतर सेवें यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा आकी दौरा बांध बटोरा धूमा धामी कैसे स्वामी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा नगर निरासा तन कुंतरा सा पशु प्राणी स्वान समानी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा मीन यूजलेस व्यर्थ जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना कोई सिद्धि होती है ना सुख होता है ना गति होती है अर्थात यूजलेस बैदा है वो व्यर्थ है। अब गरीबदास साहेब जी से पूछा कि तुमने ये बैदा कैसे जाना कि हमें सतगुरु मिल गया, हमें सतगुरु मिल गया था तो हम इसलिए हमने बैदा पता लग गया ये व्यर्थ है। और वही वेद बताते हैं परमेश्वर की वाणी में लिखा कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थो था उस छड़े किसाना और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओए होए अब परमात्मा क्योंकि इनको ऋषियों को महर्षियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को इनको सतगुरु नहीं मिले जिस कारण से ये वेदों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। यानी वेद मेरा ही भेद है और मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है और जौन वेद से जौन से वेद से मुझे पाया जा सकता है पांचवें वेद से वो चारों वेद जानते नाही। अपने आत्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से और 12 तक 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है कोई वो कहता है वो उत्पन्न ना होता स्वयंभू है और कोई अक्षर ज्ञान जिसने किसी भाषा का ज्ञान हो गया संस्कृत पढ़ लिया आ गई वो तो विद्वान और जिसको भाषा का यानी अक्षर ज्ञान नहीं है भाषा का ज्ञान तो है क्योंकि भाषा कोई न कोई तो जब हम बोलते हैं अपने ज्ञानों का ज्ञान विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लेकिन जिनको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान बोल देते हो नहीं ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है उस विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा कौन विद्वान है कौन अविद्वान है। परमेश्वर कबीर जी और वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहेब जी आदरणीय नानक साहेब जी आदरणीय गीसा साहेब जी आदरणीय दादू साहेब जी आदरणीय मलुकदास साहेब जी आदरणीय धर्मदास साहेब जी इनको संस्कृत ज्ञान ना होते हुए विद्वान थे। ये विद्वान थे क्योंकि ये परम उस तत्व से परिचित हो चुके थे साक्षात्कार हो चुका था प्रभु का। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। कहते हैं वेद पुराण और ये कथा कहानी वेद पुराणी कथा कहानी ब्रह्मांडों ने कर दिया एक राजा था उसने ऐसे कर दिया कहते हैं कहानी करा कितनी बार पढ़ ली और वेद पढ़े पर अर्थ ना खुले उनके तुम्हें पता नहीं चला ये वेद क्या बताना चाहते हैं ये भी बैदा था जो उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया को भ्रमित कर दिया। सन्यासी बैरागी सेवड़े ये तन पर छार लगा हुए हैं पांचों नार पच्चीसों लड़के दुंदू धार मचा हुए हैं। सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं और पांचों नार पच्चीसों नारी पांचों नार पच्चीसों लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। क्या बताते हैं कंठी माला और मृग छाला सिर पे जटा रखावे हैं ये ढोलक ताल झालरी पीटे हैं ताना री री गावे हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे नो जाण्या।
तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीर का मर्म ना जाना भद्दर भेख बनावे हैं, करुआ और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती गट में दूती फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं, इस मन की बड़ी जबरदस्त चाल है, इस जीव का एंडोला बना रखा है इसने। यू ना भक्ति करने देता, आत्मा चाहती है भक्ति, यू कहता है चल भक्ति नू करांगे, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करते हो भक्ति। अब जिसके अंदर भी परमात्मा की प्रेरणा बनती है किसी ग्रंथ के पढ़ने से या किसी संत के विचार सुन लेने से, तो उसके के मरोड़ी लाता है यू काल ने, कहे चल जंगल में चलांगे, यहाँ भक्ति नहीं हो सकती, घर छोड़ जाता है जंगल में चला जाता है। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा की चाह, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहाँ क्या होगा कि वहाँ शाम तक तो आप ठीक है, घर की रोटी खाई हुई सांझ तक एक दिन तो आप टिक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी, एक रात भी काट देगा अगले दिन फिर सुबह लठ लेगा, पहुँचेगा गांव में किसी नगर में, दियो माई है उड़ा कुछ तो बना बनाया ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया फिर नहीं सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी कट्ठी करी चूल्हा बनाया, फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न ओले आ गए कि तो बूंद वर्षा आ गई, फिर सोचिए दूफड़ी गाल लूँ, वो सारा सांग फिर जोड़ दिया जो छोड़ कर चला था, अब घर ने छोड़ कर गया, फिर गृहस्थी का द्वार आकर फिर हाथ पसार दिया, तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ तेरी घर छोड़ कर जान में तेरे के लाभ मिला। अब परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुसर हो ये खुसरे लेना मोक्ष, द्रुपर लाद भी पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कार ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्यक्रम अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी, शादीशुदा था, दो बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूँगा। वहाँ चला गया वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि यो ताज़ा ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन भाजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगन गया, आगे क्या था कि एक माई के दो छोटे छोटे बालक, एक ने तो आ गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ कर उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम्मे ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची अक्ते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आया था इतनी ही आयु के, हे भगवान तेरे मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चाल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम, फिर उसके मन में आई रह ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है,
नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा छोड़ डे लोग हंसी करेंगे नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बने करीब फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची अब तने कौन पिछाड़ेगा तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल उम्र 12 साल में तू तो डल लिया को पिछाण नहीं तू तो खेत में किसान था वो। उसने सोची तू तो अपने खेत में जाके देखे ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे एक दिन दो दिन पता लग जाएगा खेत का बेरा अपने खेत में वो काम करेंगे मेरे बच्चे और जब नहीं आए होंगे तब तो फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था आटे का थल लाओ तो दिया फेंक फाइनल डिसीजन कर लिया वे खेत में जाके और दूर से देख के उल्टा आ जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी उधर से उसका छोटा भाई अपने अपने खेतों में काम कर रहा था और वो उसकी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी तें अपनी भाभी तें अक मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी अण मजाक मत कराया करे हंसी ना करा कर तू सारी अण क्यों मेरे दिल ने दुखावे है अक ना सच्ची कहूँ देख वो आन लग रहा मन ने तो चाल उससे कैसी लागे है। फिर उसने भी जान दिया नहीं बोले ना क्यों बकाओ के करना था इतने 12 साल हो गए तो ही ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा वो ही हज। फिर वह बोली तो बाबा जी है फिर चल जाएगा क्योंकि डट है यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा अपना कोई और काम वसाया होगा। तो उसका छोटा भाई था वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साध ले डोले पर दोनों का जो खेत का बीच की मैड थी उस पर एक सिसम थी वह सिसम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं सिसम ने काटूंगा अच्छी भारा पेड़ हो रही थी और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाल ही रखा गया छोटा सा कुआड़िया वो कुआड़िया लेकर वो लग गया सिसम काटने और वो लागी रोला मचान कहन लगी देख आज मेरा कोई कोई ना आगा पाछ है मेरा मेरा आज धनी होता तू क्या सिसम ने काट लेता देख 5 फुट मेरे कानी है और फिर भी नो कहे मेरी है या अपनी कह के काटे देखो रे लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आक है अर्जुआर के माँ बैठ कर सुने सारी बात के रोला माच रहन का तो उसके पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है और देख कितनी कीमत की सिसम ने और काटन लाग रहा और नो कह मेरे में हर देख या तो मन बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मैड से भी दूर है डोले थे और वह रोए एक लो बैठ के तो वो तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगे अरे मैं आ लिया हूँ एकली मत समझिए एकली मत जानिए आ लिया हूँ मैं। उसने देखा भाई कौन है तू लिकड़ा उस जुआर मत बार भाई कौन है तू अगे सिसम वाला ने बोला सिसम वाला है बकवास करे बाबा जी हट जा बिरानी लड़ाई में निबड़ा करते तू अपना काम कर जा बदले राम की तरह बैठ के ने बोला अरे तने नाश कर दिया है और तू इतना जालिम आदमी यो मेरा खेत सर मैं वो फलाना हूँ ने बोला तू जाना पिटेगा मैं गाँव वाले ने बुला लूँगा मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा हर गाँव वाले भी नहीं पहचाने तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था आड़ी के बाल काटे था वहाँ पहुँच गया जानते उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट बोला कौन है बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ बोला की बात बस तू जल्दी काट भाई नाई बात बिगड़ गई नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई वो उस तरह फेर दिया डाढ़ी में कर दिया काम और जी साथ हाउस आए बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने बोला देख आ गया पहचान में अरे आइए मेरा भाई आइए मेरा भाई कोड़ी का भर लिया
ने बोला बा मनता गलती होगी मेरा भाई, और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है। वो चौधरी साहब फेर उड़े जहाँ से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बंतज बस्ती माँ कह कबीर के करो मन त मानना। अब यहाँ से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहाँ, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो न्यो सोचा मैंने मोह ममता मार ली, कहते न्यो की न्यो पावेगी। तो इसका समाधान यही है, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक या सत भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में, फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। उसके लिए क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। ये पांचों नार पच्चीसों लड़के धुन धुन धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं पांचों नारी, एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल बे। पांच ना एक नारी को त्याग कर जंगल में पहुंच गया, किस लिए कि नारी को तूने भक्ति बाधक जाना, कि तेरी पत्नी भक्ति में बाधा करती है, इसलिए तू छोड़ छाड़ कर चल जंगल। और ये पांच नारी गैल बे, ये पांच नारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं बेटा इन न त्यागेगा ना, जब तू बैरागी बनेगा इन घर न त्याग ले, और चाहे वह किधर जंगल में बैठ के त्याग ले। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, एक तो वह भक्तिवादक जो समझी थी तूने वह छोड़ दी, ये पांच और तेरे संग हैं, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। अब आगे देखो कितना अच्छा निर्णय दिया है, ये पांच नारी कहां तक बाधक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ता नारी री गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, और खुद्या दूती घट में कुत्ती फिर गृष्टि दुआ रह जावे हैं। घर छोड़कर अंडी पाके जंगल में गुफा बना ली, भूख लगी फिर दिए माई गृहस्थी का के फिर हाथ पसारे, के सांग काट रखे। यानी भक्ति का और साधना का प्रारूप बदल दिया न ज्ञानियों ने सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंह तुरही तुतकार गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहा गर पुष्कर पर से है द्वारका द्वाग द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। एक समय हर की पैड़ियों पर और कुंभ के पर्व का एक अवसर हुआ, जैसे अब ये 13-14 अप्रैल को हरिद्वार के अंदर फिर से कुंभ का मेला कुंभ का स्नान है। तो उसमें क्या करते हैं सन्यासी, यानी ये नाथ औगड़ ये कनपाड़े कति नगन ये सन्यासी जो बोलते हैं अपने आप को, ये तो एक अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं, और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक हैं वो अलग से। तो फिर ये स्नान करने चलते हैं अपने अपने पूरे टोल में, अपने एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो स्नान करने के लिए चलते हैं।
बहुत पुराने समय की बात है, तो उस समय सबसे पहले नागा जो तमोगुण शिव के उपासक हैं वो स्नान करने के लिए भर की पैड़ियों पर खड़े हो गए, पीछे से विष्णु जी के उपासक, ये सतगुण विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत आ गए, पूरा समूह हजारों, कई हजारों की संख्या में, 20-20 हजार 30-30 हजार इकट्ठे होकर आते हैं ये। तो वैष्णवों ने कहा उन नागाओं को कि भी नागा तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु कहने लगे तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरड़ो, बार मरो पशु की तरह नंगे हंडन लाग रहे, तू कहे कि श्रेष्ठ हो, और हम स्नान करेंगे पहले। अब वो नाना तक गए भूल, आपस में झगड़ा शुरू हो गया, तीर निकाल लिए, तलवार निकाल ली, कटारी घोंप दे एक दूसरे में, लठ ठा गया, लठ मार दिया, ऊंठाठा फेंक दिए एक दूसरे ने गंगा में, यानी गंगा के पानी को लाल कर दिया, और 25,000 हुए ये डांगर कटका मर गए। ओए होए, अब इनको सन्यासी कहें, इनको बैरागी कहें, कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैलवे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ, ये भी एक नारी गेला थी, और इस नारी ने के जुलम करा दिया, कत्लेआम करा डाला। कहते इन न त्यागो, जो बनोगे तुम साधु संत बैरागी, तीर तुपक तलवार कटारी जड़ दर जम धड़ जोर बधावे हैं, कि डट के झगड़ा लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी का है परमात्मा में प्यार भी कोई ना, इतनी दया नहीं, और काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साधको आवे हैं, और जो जन उनसे दीक्षा ले ले उनको भी नरक ले जावे। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी महिमा यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के बताया। अब क्या बताते हैं, पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन से ती ओलने भाई जड़ से ती है प्रीत, पाहन से ती प्रीतड़ी और चेतन से ती दो से, दो जग धारा जावेंगे कदे न पावे मोक्षो, पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा घोर, साहेब पर सेवा नहीं ये पहुँचेंगे किस ठोड़, पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं इनका लग गया दीर्घ रोग। कहते पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बाण कुटिल छूटे नहीं, ये हैबिट बुरी इन तक छूटती नहीं, यू लग गया दीर्घ रोग, बेख चले हैं विष्ट को पत्थर गाठी बांध, और जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांध। ये सभी समुदाय भेख अलग अलग जो कहते हैं ये फलाना ये सन्यासी हैं, ये बैरागी हैं, ये उगढ़ हैं, ये वैष्णव हैं, कहते हैं ये सभी परमात्मा पाने के लिए ही चले हैं, भेख चले हैं भिष्ट को स्वर्ग के लिए चले हैं, और पत्थर गांठ बांध पत्थर की पूजा करें, और आन उपासना करते हैं, वेदों अनुसार साधना नहीं करते हैं, जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद, साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशहाल, कोड़ी गए पल्लू बंधा डार दिया नगलाल, साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे हैं इनके तीनों ताप। आए आए। अब जैसे तीन ताप से दुख होता है, एक देहिक दैवी और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन ताप। अब जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है, या अकाल गिरता है, ये इस तरह के जो ताप हैं ये तीन ताप में आते हैं, या ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम साधों की संगत ना ही ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे हैं उनके तीनों ताप।
तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनू तापम। संतों की संगत नहीं, यानी तत्वदर्शी संत तुम्हें मिले नहीं, और ना उस परमेश्वर का सच्चे साहिब का सच्चा नाम का जाप। तो गरीबदास जी कहते हैं, कह गरीब कैसे मिटे तुम रे तीनू ताप, तुम्हें लाभ कैसे होगा, तुम्हारी साधना यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हें कैसे ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। सकट नगरी ना बसो हाना लगसी हंस, प्रगट कै समझावा हूं चंदन के डिगबंस। साकट से ती साख क्या ये रावण कंसा बूज, अरणक सिपु और बाली से ये मारे प्रकट गूंज। चतुराई चुल है पैड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और साकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। ओह कितनी प्यारी वाणी कही है कि यह चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगध है ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दो गड़जोट। ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये जो महर्षि कुमावत थे, गुरु बने फिरे थे, ये चातुर प्राणी थे विद्या को ग्रहण करके, इनको ज्ञान नहीं था वेद और गीता का, और मूड व्यक्ति जो आंखों देखकर भी इन प्रमाणों को नहीं मानेगा वह मूड मुगध है ठोठ, जो कुछ भी करण के कोना कहते वो मारे काम के नहीं है, जो आंखां देखकर भी नहीं मान रहे सदग्रंथों में प्रमाण, और फिर भी उन्हीं के चपट रहे हैं उन चातुर प्राणियों के, उन चोरों से लिपटे हुए हैं, कहते उनके गलजोट दो उन्हीं के साथ बंधे रहे भगवान, दोनों नरक में जा। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। गलजोट माने एक कर सिद्ध बांध दे दोनों माने। अब यहां क्या बताते हैं, चतुराई चूल्ह पड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और सकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। या चतुराई चूल्ह पड़ो, अभी इन्होंने वेदों जैसे यू महर्षि दानंद था, अभी यू चतुर तो गणा बन रहा था, वेद ज्ञान इसने था को नहीं, और ऐसे ये सतयुग के ब्राह्मण देख लो, इनके बड़े विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे, कहते इसी चतुराई का आग लगाए, और चारों वेद बिटम्ब, चारों वेदों के अंदर भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी हमें पार करने का नहीं है। और सकट सगा न भेटियो आंखों लगे न अम्ब। ओह कहते हैं भगवान सकट तो रिश्तेदार भी नहीं मिलना चाहिए जो भक्ति में बाधक हो जा, क्योंकि आंख के आंब नहीं लग गया करते। सकट ते कितना ही धनवान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, और चाहे इंद्र के समान सुख हो उसको, परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बाधक सकट हमने ऐसा रिश्तेदार भी ना मिलाई हो भगवान, वो गरीब रिलेटिव बढ़िया हमने जो भक्ति करता हो। रतन जड़ाऊ मंदिर है लखियोजन स्थान, और सकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। ओ अपने आत्मा हम तो देखा हा ये माया के धनवंतों को अपनी बेटी का ब्याह करें जब, या लड़के ने ब्याह हुआ जब देखा अगले का कितना धन से तन्ने कितना मिलेगा, कहते हैं आग लगे से रिश्तेदार का जो भक्ति से दूर हो, और दूसरे के धन पर जो इच्छा करता है वो भक्त नहीं हो सकता, उसको सात जन्म भी भक्ति लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा ने जो निमित्त में लिखा है या तूने जो शुभ साधना की है ये तेरी मौज करेगा। अब क्या बताते हैं कि रतन जड़ाऊ मंदिर है, जैसे चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स द्वारा का वो कंक वो लगा करते रोड़ी सी चिपका देते हैं, कहते हैं इस ऐसे उन रोड़ियों के स्थान पर रतन लगा रखे हों पूरे महल में, और लख योजन यानी 4,00,000 कोसमय का उसका मकान हो, और सारे में रतन जड़ रखे हों, यानी इतना पैसे वाला हो चाहे इंद्र के तुल स्वर्ग के राजा के तुल उसके ठाठ बाठ हों। कहते साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। अब आगे उन साकटों क्या क्या प्रमाण देते हैं,
चतुराई चूल्हे पड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, सकट सगा न भेंटियो आको लगे न अम्ब। सकट चारों वेद हैं ये सकट द्वादश पंथ, सकट पंडित पीर हैं ये ही जमके दंत। अब ये चारों वेद भी सकट बता दिए परमात्मा ने, क्यों? क्योंकि इनमें पूरा ज्ञान नहीं है और काल के जाल में रखने तक ही सीमित नॉलेज है। ओम नाम का जाप फाइनल है, ब्रह्म इसका फाइनल गॉड बता दिया इन्होंने अपने हिसाब से जो सेटिंग इन्होंने की, लेकिन इसमें उस तत्व ज्ञान का मार्ग नहीं है। इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसका उसके लिए तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत ना मिला। ऋषियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम का नाम और ब्रह्म पूज्य, जबकि ब्रह्म कहता पूज्य तो कोई और है। तो इसलिए इन चारों वेदों को भी सकट ही, जो भक्ति में बाधक हो, मोक्ष में जो बाधक है वो सकट बताया है। सकट चारों वेद हैं ये सकट द्वादश पंथ, ये बारह पंथ भी सकट हैं। कौन से? जैसे एक कबीर सागर में आपने देखा बारह पंथ, एक वो नारायण दास का, वो चूड़ामणि जी का पंथ, जागू पंथ, ये बारह पंथ है। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी साकट हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। ना दूसरे की माने, अपनी बात पर डिग रहते हैं जो उन्होंने लोक वेद ग्रहण कर रखा है।